हेलो निक्की, मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ। क्या मैं ऊपर आ सकता हूँ? मैं घर पे नहीं हूँ। उसके बगैर मुझे कुछ नहीं सूझता था। कहाँ जा रहा है भाई? ए तू रुकना। ओ रुक, ओ भाई साहब, ओ रुक भाई, ओ रुक। वॉचमैन तुम जाओ। आज तुमने मुझ पे ट्रस्ट किया, उसके लिए थैंक यू। ट्रस्ट? वो किस बात का? मुझे पहली बार अपने घर बुलाने का। लेकिन मुझे ये नहीं पता था इन चार दीवारों के बीच इतनी खूबसूरत हसीना अकेली रहती है। तुम काफी ज्यादा फिल्मी हो। लेकिन तुम मुझे तड़पाती बहुत हो। मुझे तुम्हें तड़पाना बहुत अच्छा लगता है। अबे तू पागल हो गया उस लड़की के चक्कर में, समझा? और तू उस लड़की के चक्कर में अपने भाई को भूल गया। ऐसी कोई बात नहीं है यार। अबे मुझे लगा था कि रात गई बात गई, लेकिन वो लड़की तो तेरी रात से तेरी सुबह भी बन गई। ओ शायर की औलाद, तेरा भाई लाइफ में पहली बार सीरियस हुआ है। अच्छा, तो उस लड़की के लिए सीरियस हो रहा है जिसके बारे में तुझे कुछ नहीं पता। जैसे तुझे हर का ठिकाना पता है। तू भाई से जेलस है। तू चाहता है मैं हमेशा हा? मैं बबलू, तेरा भाई हो तुझसे जेलस। भाई किसी ने सही बोला है, ये जो महाभारत थी ना ये एक औरत नहीं कराई थी। चल तू लगा रहे। सुन सुन, कल रमी पार्टी घर पर रखी है, वो भी आ रही है, चल। इतने जल्दी था तू? काली हो गई यार, ठन ठन गोपाल, अब दांव पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ऐसी कंपनी रखोगे तो ठन ठन गोपाल होगा ही। मतलब? ताश के पत्तों में रानी होना अच्छी बात है, बाकी कपड़े उतारने वाली बात है। अरे यार इसीलिए तो निकल रहा हूँ, अभी तो मेरे कपड़े उतर रहे हैं यार। ताश के पत्तों में आज रानी मेरे पास है। तू एक काम कर, तू अपनी रानी को दांव पे लगा दे। वैसे भी वो इसी लायक है, हम सब जानते हैं उसे। अश्विन, 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 जुबान संभाल के बात कर, गर्लफ्रेंड है मेरी वो। अश्विन रुको। अश्विन इस चक्कर में तू दोस्ती खराब कर रहा है, समझ रहा है? चल निकाल यहाँ से। ये जानता नहीं है ये किसके चुंगल में फंसा है। हाँ ठीक है चलो निकलो यहाँ से। अश्विन, शराब के नशे में कोई भी कुछ अनाप शनाप बोल देता है ना, और वो तो दोस्त थे, मजाक कर दिए होंगे। और कब तक तुम इन वाहियात लोगों की वजह से अपना मूड और दूसरों की पार्टी स्पॉइल करोगे? इसका जवाब ये बबलू देगा, इसी के दोस्त है वो दोनों। उन दोनों को इसी ने इनवाइट किया था। हाँ तो हो सकता है उन्होंने जो भी बातें बोली हों वो सारी ठीक हों, और मुझे भी इस घर से बाहर निकाल दे, समझा? तू पागल हो गया है, पागल। मुद्दा ये नहीं है कि ये सब तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि मैं इनकी बातें चुपचाप सुन रहा हूं। बात यह है कि मैं उसे जो जवाब देना चाहता था मैं उसे दे ही नहीं पाया। वो तुम्हें बुरा भला बोल रहे थे, बोल रहे थे, और मैं तुम्हें डिफेंड भी नहीं कर पाया क्योंकि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। तुम क्या हो, कौन हो? तुम साई की तरह आती हो और साई की तरह चली जाती हो। जितने पल तुम्हारे साथ बिताता हूं वो खूबसूरत जरूर होते हैं, लेकिन तुम मेरे लिए हमेशा अनजान ही रहती हो। बहुत कह लिया उन्होंने, अब बहुत सुन लिया मैंने। अब आज के बाद मैं तुमसे कभी कॉन्टैक्ट नहीं करूंगी। गुड बाय अश्विन। मैं बोल रही हूं, अब वक्त आ गया है, इससे ज्यादा वेट हम नहीं कर सकते। उसके दिमाग में कीड़ा आ गया है, इसके पहले वो हाथ से निकल जाए हमें अपना काम करना पड़ेगा। हेलो, निक्की क्या हुआ? हेलो अश्विन। अरे निक्की क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम मेरी जिंदगी के बारे में जानना चाहते थे ना? अरे अब जब जिंदगी ही नहीं बचेगी तो क्या जानोगे तुम मेरे बारे में? तुम्हें जब से मैं तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें अपना कुत्ता बना कर रखा है। अब अभी भी तुम यही सोच रहे होगे ना, क्योंकि मेरी जिंदगी एक रहस्य है। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। चन्नी और काके दोनों मुझे पहले से जानते हैं। मुझे नहीं पता कि वो तुम्हें भी जानते हैं। अगर मुझे पता होता कि वो दोनों उस पार्टी में आने वाले, तो शायद मैं कभी उस पार्टी में नहीं आती। अश्विन, दुनिया बहुत छोटी है। मुझे नहीं पता था कि मैं वापस से उन लोग से मिलूंगी। वो लोग तो मुझे पहले से ही नहीं पसंद करते हैं। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। शायद तुम कल सुबह मेरी आवाज भी नहीं सुनोगे। निक्की, निक्की, निक्की प्लीज ऐसा कुछ मत करना। निक्की, शिट। निक्की, क्या पागल बने ये? ऐसा करने से पहले तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? अश्विन, तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? कभी नहीं, आई प्रॉमिस। बट तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगी। हेलो हेलो निक्की, निक्की, हाँ ये है अश्विन जी, मेरे फ्रेंड। और अश्विन, ये है शार्दुल भाई, हमारे बिजनेस पार्टनर। और ये है मुकेश, मेरे हस्बैंड। जब किसी आदमी को खाई में गिरना होता है तो वो बचने के 100 बहाने ढूंढता है। मुझे पता था इस रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अंधेरी गली में रोशनी तलाश रहा था। दिल दिमाग में छासी गई थी वो, मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। दिल में एक कील की तरह गड़ गई थी वो। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। दर्द बेचैन कर रहा था मुझे पल पल, हर पल। मेरे दोस्त मुझे दुश्मन नजर आ रहे थे। सच में मैं बहुत तेजी से खाई की तरफ बढ़ रहा था। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्या है उसमें जो मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। और वो था काम और उसके सामने का तरीका जो सबसे अलग था। मुझे पता था कि तू किसी खड्डे में गिरेगा, लेकिन तू ना मैं बबलू उर्फ बावा सिर्फ 2 ही चीजों से प्यार करता हूं, एक और दूसरा मैं खाना। पर कोई ना, मेरा भाई नहीं, मेरा बच्चा है तू। और तुझे ना मैं किसी प्रॉब्लम में पड़ने नहीं दूंगा। तूने तो मुझे अभी तक रोक के रखा था, वरना उस का मैं कब का कर चुका होता, समझा? देख भाई, अभी भी समझा रहा हूं, ये सारी चीजें छोड़ दे उसको। और मैंने आज रात को काके और चन्नी को फिर से बुलाया है। टचअप कर ले उससे, और किसी के खातिर अपनों को थप्पड़ नहीं मारते, समझा? टचअप कर और भूल जा निक्की को। तू सही कह रहा है बाबा। बाबा ना हमेशा सही कहता है। चल, cheers. Cheers. आखिर गया कहाँ ये? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है?